हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज यूजीसी नेट में क्या होता है गाइस कि हायर एजुकेशन फील्ड में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। सो आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट मैं आपको हायर एजुकेशन में हुए अपडेट को बताऊंगा जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और अगर आंसर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर वन के ऐसे 40 टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं 2019 से लेकर के अब तक बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस तरह के जो 40 टॉपिक्स हैं मैंने इस वीडियो में डिस्कस करें आपके साथ। इन 40 टॉपिक्स को करके आप पेपर वन में 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप जरूर देखें, डेफिनेटली इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। देखो गाइस, जो अपडेट निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि दैट बाइनरी सिस्टम ऑफ एक्रीडेशन टू रिप्लेस NAAC कॉन्ट्रोवर्शियल CGPA एक्रीडेशन। अब यहाँ पर वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म बनेगा एंड में एड इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। तो गाइज यहाँ पर देखो, कंप्लीट मैं इन्फॉर्मेशन को कवर करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से CGPA काम करता है और किस तरीके से बाइनरी सिस्टम काम करेगा। बिकॉज अब जो है एक्रीडेशन के लिए बाइनरी सिस्टम लेकर के आया जाएगा जो कि अब जो है फ्यूचर में बाइनरी सिस्टम के थ्रू ही एक्रीडेशन होगा। एक्रीडेशन मतलब एक तरीके से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मान्यता प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बड़ी बड़ी या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज होते हैं वहाँ पर लिखा होता है NAAC A++ एक्रीडेशन, इस तरीके से है ना, एक्रीडेटेड। तो ये क्या है, ये लोग इस तरीके से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट न्यूज़ को समझ लेते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें होंगी अब फ्यूचर में। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। देखो NAAC की पहली बात तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फुल फॉर्म ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी यूजीसी नेट एग्जाम में NAAC की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है आपको याद होनी चाहिए। NAAC कब स्टैब्लिश हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपको पता है कि कब इसको स्टैब्लिश किया गया था तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो सैटरडे में यहाँ पे एक बात हुई दैट ब्रिंग इन मेजर रिफॉर्म इन एक्रीडेशन प्रोसेस इन दिस फर्स्ट स्टेज बाइनरी एक्रीडेशन सिस्टम विल इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट 4 वीक। तो ये होने ही वाला है, अगले 4 वीक में ऐसा हो जाएगा, विच विल रिप्लेस द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रैंकिंग जो कि सी से लेकर के A++ तक एक्रीडेशन होती थी। अभी आपने देखा होगा कि A++ एक्रीडेशन यूनिवर्सिटीज अपने नाम के आगे लिखते हैं, तो अभी तक जो है एक्रीडेशन इस तरीके से हो रही थी, अब जो है बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू NAAC द न्यू बाइनरी एक्रीडेशन सिस्टम इज इन द लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड ग्लोबली। तो अभी क्या है कि जो गाइस जो अभी जो ग्लोबल लेवल पे एक्रीडेशन होता है उसमें बाइनरी सिस्टम का यूज किया जाता है, बट इंडिया में अभी तक ग्रेडिंग सिस्टम यूज हो रहा था जिसको हम CGPA सिस्टम कहते थे। तो अब इस सिस्टम को बदल के जैसा ग्लोबली हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, वैसा हम भी इंडिया की यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्रीडेशन करेंगे उनका। सो द न्यू बाइनरी एक्रीडेशन सिस्टम इज इन लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड बाय द ग्लोबली द NAAC सेड इन रिलीज दैट रेदर देन ग्रेड द न्यू सिस्टम विल इनकरेज ऑल द इंस्टीट्यूशन टू गेट ऑन बोर्डेड इन द एक्रीडेशन प्रोसेस देयर बाय क्रिएटिंग क्वालिटी कल्चर इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। सो नो न्यू एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो अभी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर रही हैं अब जो है सभी का नए तरीके से एक्रीडेशन किया जाएगा जो कि बाइनरी सिस्टम होगा। अभी क्या था गाइस कि घूस खिला देते थे, पैसे दे देते थे और उनका जो एक्रीडेशन हो जाता था। अब क्या है, यहाँ पर चीजें वेरीफाई करी जाएंगी, और अब जो है ना सिर्फ जो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, तो यहाँ पर अब क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आप लोग बताइए कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। देखो आप यहाँ पर लास्ट पैरा में देख सकते हो दैट इन एडिशन देयर विल बी प्रोविजन फॉर कस्टमाइज रैंकिंग बेस्ड ऑन स्टेक होल्डर्स सच एज इंडस्ट्री हो गया, फंडिंग एजेंसीज हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तब जो है उनको एक्रीडेशन दी जाएगी। तो इस तरीके से चीजें होंगी। अभी तक क्या होता था कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी विजिट करते थे, जो भी बताया जाता था उसके अकॉर्डिंग चीजें हो जाती थी। अब क्या है, अब थोड़ा सा और इन डेप्थ चीजें होंगी। द रिफॉर्म इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑन पैनल हेडेड बाय चेयरमैन द इसरो के राधा कृष्णन ने जो है इस चीज को रिकमेंडेशन दी है, और उन्हीं के बेसिस पे जो है बाइनरी सिस्टम लेकर के आया जा रहा है। तो ये चीज याद रखिए कि अब जो है ग्रेडिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देगा बाइनरी सिस्टम, ये चीज याद रखनी है आपको। प्लस ये बाइनरी सिस्टम का जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है वो कौन लेकर के आया, किसकी रिकमेंडेशन पे आ रहा है, तो ये के राधाकृष्णन के जो है इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आ रहा है। और ये कौन है के राधाकृष्णन, ये इसरो के पहले फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, तो उन्हीं के जो है रिकमेंडेशन पे ये चीजें होने वाली हैं। तो अभी तक क्या गाइस क्या होता था कि जो करंट सिस्टम था रैंकिंग का वो था कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम, मतलब CGPA के अकॉर्डिंग होता था, जिसमें ए ए बी
A++ इस तरीके से जो है एक्रेडिटेशन दिया जाता था, बट अब जो है क्या होगा यहाँ पर, मेच्योरिटी बेस्ड ग्रेडिट एक्रेडिटेशन हो जाएगा, विच विल बी इम्प्लीटेड बाय दिसंबर 2024। देयर विल बी 5 लेवल, अब लेवल दिए जाएंगे, लेवल 1 होगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब A+ करके नहीं होगा, अब लेवल गिवन होंगे। अंडर दिस सिस्टम एन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन कैन रेज देयर बार फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 4। इसके लिए उनको अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छे लेवल की रिसर्च होनी चाहिए, ओवरऑल उनको अपने इंप्रूवमेंट अपने अंदर करनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एक्सीलेंस बन पाएंगे वो, अगर लेवल 4 पे आ जाते हैं, लेवल 5 पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो ग्लोबल एक्सीलेंस में पहुंच जाएंगे, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर जो है वो चीजें काउंट होने लग जाएंगी जब वो लेवल 5 पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है अब होने वाला है, द लेवल एक्रेडिटेशन शैल इनेबल इंडियन इंस्टीट्यूशंस टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव देयर क्वालिटी एंड पोजिशन। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब उनको लेवल बढ़ाने के लिए अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी अब देखो इन शॉर्ट में बताऊं तो अभी क्या होता था कि A+ B C इस तरीके से एक्रेडिटेशन मिलता था, अब ये ना मिल करके 1 2 3 4 मिलेगा, लेवल 1 2 3 4 करके मिलेगा। और इसमें लेवल 4 का मतलब है कि नेशनल, मतलब एक इन अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए टॉप इंस्टीट्यूट है, लेवल 4 पे आ गया तो, और लेवल 5 पे आ गया तो ग्लोबल लेवल पे उसको पहचाना जाएगा, रिकॉग्नाइज जो है वो किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है। और बाइनरी एक्रेडिटेशन किस तरीके से काम करेगा एक बार इसको समझ लेते हैं। द बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम विल हैव सम मिनिमम स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क दैट HAIs हैव टू मीट टू गेट एक्रेडिटेड। तो इसके अंदर 7 क्राइटेरिया होंगे एंड 34 की इंडिकेटर्स होंगे जिनका यूज करते हुए इनको एक्रेडिटेशन मिलेगी। तो गाइज ये जो चीजें हैं बाइनरी एक्रेडिटेशन अब होने वाली फ्यूचर में, और इसी तरीके से अब जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटीज हैं इनको इस तरीके से ही एक्रेडिटेशन जो है दी जाएगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है, आपको याद रखना है। हो सकता है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका अब जो है आंसर कर पाएंगे इजीली। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से NTA क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। अभी होली ऑफर चल रहा है तो आप इसको अवेल कर सकते हो। ये जो होली ऑफर है इसमें आपको फ्लैट 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, चाहे वो 3 मंथ हो, 6 मंथ हो, चाहे 12 मंथ हो, सभी कोर्सेज पे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है होली 20 जस्ट बिफोर बाय ऑप्शन, तो आपका जो फीस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDF नोट्स होंगे कंप्लीट लेक्चर्स के अलावा, आपको ये दो चीजें और मिलेंगी। और PDF नोट्स आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और उसको उसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाएंगे। किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे इस तरीके से आपको एनरोल करना है, स्टोर पे क्लिक करना है, आपके सामने कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, आपको कोर्स ओपन करना है जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको जब जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे इस स्क्रीन को, आपको यहाँ पे होली 20 करके कूपन कोड दिख जाएगा नीचे की तरफ, उस पर टैप करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है, बाय का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, हो सकता है व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए, जिस नंबर अगर आप उस नंबर पे व्हाट्सएप यूज कर रहे होगे वहां पर आपको पेमेंट का लिंक गिवन होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। आप जैसे पेमेंट करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे, ये ऑटो प्रोसेस है। जैसे आप फी पे करोगे ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे और आपको फी जनरेट होगी, फी जो आपकी फी रिसिप्ट वो जनरेट होगी, आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।